दौड़ व्यवसायी का लड़का सकुशल हुआ बरामद। जय हिंद, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। खबर जनपद बलिया के सिकंदरपुर से है, जहां सिकंदरपुर नगर के व्यवसायी कैलाश चंद प्रसाद का 13 वर्षीय पुत्र गुरुवार की शाम को अपने घर के पास से लापता हो गया था। लड़के के गायब होने के बाद परिजनों ने उसकी काफी तलाश और खोजबीन की। खोजबीन के बाद जब लड़का नहीं मिला तो उन्होंने सिकंदरपुर थाने पर लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस खोजबीन जांच पड़ताल में लग गई। जानकारी के अनुसार लड़के के परिवार से मिलने एडिशनल एसपी भी सिकंदरपुर पहुंचे थे। दो दिन के बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई बढ़ाते हुए अपहरण का भी मुकदमा दर्ज कर लिया था। एक 13 वर्षीय बालक के घर के सामने से गायब हो जाने से पूरे जिले के पुलिस हर पहलुओं को ध्यान में रखते हुए खोजबीन में लग गई थी। जानकारी के अनुसार पुलिस की कई टीमें कई थाना अध्यक्षों के नेतृत्व में बनाई गई थी। आज जिस तरह से जानकारी अभी मिल पा रही है, बच्चे की बरामदगी बिल्था रोड से कर ली गई है। बच्चा सकुशल और सुरक्षित बताया जा रहा है। इसमें आखिर 13 वर्षीय बालक जिसका नाम कृष्णा सोनी है, कैसे घर के सामने से गायब हो गया? पिछले 4 दिन से आखिरकार कहां था, इसकी जानकारी अभी नहीं हो पाई है। जैसे जानकारी मिलेगी आगे आप दर्शकों को अपडेट किया जाएगा। बालक के मिलने की खबर से क्षेत्रवासियों में खुशी की लहर दौड़ी हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन की भी प्रशंसा हो रही है। भारत मीडिया के लिए बलिया से एस अहमद के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। खबरों से जुड़ने के लिए भारत मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लें। ऐसी ताज़ा खबरों के लिए बने रहें भारत मीडिया के साथ।